हमारे गांव में एक महिला थी। वो जिस भी मृत व्यक्ति को स्नान कराती थी उसका परिवार धनवान हो जाता था। मैं इन सब बातों के बारे में सोचती रहती थी। एक दिन मेरी दादी की मृत्यु हो गई, इसलिए मैंने उन्हें नहलाते समय बाथरूम में एक गुप्त कैमरा लगा दिया। फिर सामने का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि वो औरत मरे हुए लोगों के साथ क्या क्या करती थी। हम अपने पिता की नौकरी के कारण शहर में रहते थे। पापा की बुआ के देहांत की वजह से हमें गांव आना पड़ा। गांव में मेरी दादी और मेरे चचेरे चाचा रहते थे। हमें अपने गांव में जाने का मौका आसानी से नहीं मिलता था। पापा की बुआ की शादी गांव में ही करी गई थी। गांव के दूसरे मोहल्ले में बुआ रहती थी, जो अब इस दुनिया में नहीं रही। शहर से गांव जाने के बाद आज पूरे 2 साल बाद हम सब गाँव आ गए, ताकि इसी बहाने दादी से भी मिल सकें। हम अपने गाँव के पास घर पहुँचे, लेकिन माँ जबरदस्ती मुझे जिधर पापा की बुआ मरी हैं उधर ले गई। जब हम वहाँ गए तो रोना धोना जारी था। सारे रिश्तेदार जमा हो चुके थे, लेकिन जिस एक औरत का सबको इंतजार था वो थी कलावती। मैंने अपने चचेरे भाई से पूछा, ये कलावती कौन है? इस पर भाई ने कहा, ये इस गांव में मरे हुए लोगों को नहलाने का काम करती है। उसके नहलाने से मरे हुए लोगों के घर वाले अगले दिन धनवान हो जाते हैं। अब देख कल बुआ के घर वाले कैसे धनवान हो जाते हैं। मैं पढ़ी लिखी थी, इसलिए ऐसी अजीब बातों पर मुझे हंसी आई। तभी अचानक कलावती आ गई। उसके आते ही सब लोग हट गए। मैंने उसे देखा तो वो 50-55 साल की एक चालाक महिला लग रही थी। कलावती मृतक को नहलाते समय सभी को बाहर भेज देती है, फिर वो मृतक को नहलाकर बाहर आती है। जब मैंने अपनी दादी से इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा, अब तक तो यही होता आया है, देखते हैं कल क्या होता है। मुझे फोटोग्राफी का बहुत शौक है। मैं अपने चचेरे भाइयों के साथ खेत में जाती और प्रकृति की तस्वीरें लेती। मेरे माता पिता हम भाई बहनों को छोड़कर शहर वापस चले गए। अगली सुबह मैं अपनी बहन के साथ गांव में घूमने गई और मैंने उसी महिला को देखा जिसने कल मृतक को नहलाया था। वो बैठी हुई थी। मैंने अपनी बहन से पूछा, सुबह सुबह ये यहाँ क्या कर रही है? मेरी बहन ने उस पर कहा, कोई नहीं जानता कि कलावती कहाँ जाती है और क्या करती है, लेकिन उसे इस बात का पूर्वाभास हो जाता है कि गांव में कोई मरने वाला है। हम सब घर वापस आ गए। अभी 1 हफ्ता हो गया है। मेरी बहन सही थी। पापा की बुआ का परिवार रातों रात अमीर हो गया और कोई नहीं जानता था कि उनके पास इतना पैसा कहां से आया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि यूं पैसा अचानक किसी के पास नहीं आता। जरूर इसके पीछे कोई रहस्य होगा। वे लोग ये नहीं बता रहे थे कि उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया। वो लोग कहते थे कि अगर हम बता देंगे तो ये दौलत हमारे पास से चली जाएगी। एक दिन मैं सुबह खेत में तस्वीरें ले रही थी, तभी सामने से एक महिला मुँह छिपाते हुए गांव की ओर जाती दिखी। मैंने गौर से देखा तो वो कलावती थी। मेरी बहन ने कहा, निश्चित रूप से आज गाँव में कोई मरने वाला है। मैंने आश्चर्य से उसकी ओर देखा और पूछा, तुम्हें कैसे पता? उसने कहा, कलावती जानती है, उसे पहले से ज्ञात होता है कि आज इस गांव में किसी की मृत्यु होने वाली है और वो कहने से पहले मृत व्यक्ति को नहलाने आती है। मैंने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। भला ये कैसे संभव है? कोई कैसे पहले से जान सकता है कि कोई मरने वाला है? लेकिन इस बार भी मेरी बहन सही थी। जब गाँव से खबर आई कि किसी की मृत्यु हो गई है, जल्दी जल्दी चलो। यहाँ आकर मैं ये देख कर चौंक गई कि शांता, जो कुछ दिनों से अस्पताल में थी, वो चल बसी। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मुझे देख हैरान होकर मेरी दादी ने कहा, मानवी देख, कलावती सच्ची है, उस पर शक करना गलत है। शांता की बेटियों की शादी शहरों में हुई थी, इसीलिए सभी लोग उनका ही इंतजार कर रहे थे। शांता की बेटियां लगभग 6 घंटे बाद गांव पहुंची थी। दोनों बेटियां आने के बाद कहने लगी कि हम खुद अपनी माँ को अंतिम स्नान कराएंगे। उनकी बातों से कलावती के चेहरे पर भय झलक गया। गांव की महिलाओं ने शांता की बेटियों को समझाया कि हमारे गांव में मृत व्यक्ति को कलावती से नहलवाया जाता है और जिस व्यक्ति को वो नहलाती है उसका परिवार धनवान हो जाता है। बड़ी मुश्किल से शांता की बेटियां कलावती से नहलाने के लिए तैयार हुई। पिछली बार की तरह कलावती ने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। मेरा दिमाग चकरा रहा था कि आखिर स्नान करते समय वो अंत में क्या करती है कि मृत व्यक्ति का घर अमीर हो जाता है। ये सवाल मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैं जल्द ही इसका जवाब ढूंढना चाहती थी, क्योंकि मैं शहर में अपने घर जाना चाहती थी। कलावती एक बार फिर गायब हो गई। कोई नहीं जानता था कि वो कहाँ जा रही थी और कहाँ से आ रही थी। वो इस गांव की रहने वाली नहीं थी, वो पड़ोस के गांव में रहती थी।
गांव के सभी बूढ़ों की नज़र में वो एक ईमानदार महिला थी जो बिना एक पैसा लिए मुर्दों को नहलाती थी और उसकी वजह से मृतक का परिवार अमीर हो जाता था। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन दोनों बार मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था। शांता के अंतिम संस्कार के एक सप्ताह के भीतर उनके परिवार के सदस्यों को उनके दरवाजे पर 2 लाख रुपए का चेक मिला। कुछ ही दिनों में उनके घर की परिस्थिति भी सुधर गई। एक दिन अचानक मेरी दादी की तबीयत खराब हो गई। मेरे चाचा और मैं उसे गांव के बाहर एक अस्पताल में ले गए, जहां मैंने कलावती को एक प्रयोगशाला में किसी से बात करते समय देखा। मेरे पास उस समय सोचने के लिए ज़्यादा समय नहीं था। हम जल्दी ही दादी को लेकर अंदर चले गए। दादी को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। डॉक्टर ने उसे 4-5 दिन तक भर्ती रखा। जब मेरी दादी बेहतर महसूस करने लगी तो मैंने कलावती के बारे में फिर से सोचा। मैंने इधर उधर उनकी तलाश की, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। दादी को जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। शाम को चाचा ने मुझसे कहा कि तुम चाची को लेकर घर चलो। मैं और चाची घर जाने के लिए निकल पड़े और मैंने कलावती को फिर से देखा। मैंने सोचा कि वो अस्पताल में किसी को देखने आई होगी, लेकिन अगले दिन उसे फिर से अस्पताल में देखकर मैं चौंक गई। तब मैंने एक नर्स से पूछा तो उसने कहा, कलावती यहाँ वार्ड सुपरवाइजर के रूप में काम करती है। मैंने उसे एक नर्स से बात करते हुए सुना कि मुझे अभी गांव जाने दो, मुझे उसका ध्यान रखना है। वो मृतक के परिवार से पहले गांव पहुंचती है और गांव वालों को लगता है कि कलावती आज गांव इसलिए आई है क्योंकि कोई मरने वाला है। मैंने सोचा उसके यहाँ काम करने में कुछ खास पैसा नहीं है, लेकिन जिस मृत व्यक्ति को वो नहलाती है उसका घर धनी कैसे हो जाता है। और एक बात जो मुझे परेशान कर रही थी वो ये थी कि कलावती मृत व्यक्ति को स्नान कराने के सिवा कोई और काम नहीं कर रही थी। दादी को 3 दिन बाद छुट्टी मिली। उन 3 दिनों में मेरी नज़र कलावती पर ही रही। उसकी हर हरकत पर पैनी नज़र रखी थी मैंने, लेकिन मुझे उसकी हरकत कुछ अलग लगी। अगले दिन पड़ोस के गांव की मेरी आंटी की मौसी की मृत्यु हो गई तो मैं भी आंटी के साथ उनके अंतिम संस्कार में गई। मुझे विश्वास था कि कलावती भी यही होगी, लेकिन जब मृत व्यक्ति को नहलाने का समय आया तो मुझे झटका लगा क्योंकि कलावती वहाँ नहीं थी। मैंने आंटी से पूछा कि कलावती यहाँ क्यों नहीं है, तो उस पर आंटी ने कहा, वो केवल उसी को नहलाती है जिसे वो पसंद करती है, खासकर जो लोग बीमार रहते हैं। मेरी मौसी बीमार नहीं थी, उनका दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया था। आज मृतक को बाकी महिलाओं ने नहलाया और हम लोग अंतिम संस्कार के बाद घर आ गए। मेरे माता पिता भी हमें लेने के लिए गाँव वापस आ गए थे। मैं कलावती के रहस्य को जाने बिना ये गांव छोड़ना नहीं चाहती थी, लेकिन हमारी छुट्टी भी ख़त्म हो चुकी थी। मैं अनिच्छा से अपने माता पिता के साथ शहर चली गई। मुझे जाना ही पड़ा। मैं अपने कॉलेज में व्यस्त हो गई। धीरे धीरे कलावती ने मेरा दिमाग छोड़ दिया। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैंने सोचा भी नहीं था कि 2 महीने बाद मुझे फिर से गाँव जाना पड़ेगा। बीमारी के कारण अचानक मेरी दादी का निधन हो गया। गाँव में अंतिम संस्कार के लिए सभी आए थे। अब मैं इस अवसर को खोना नहीं चाहती थी। ये घर हमारा था तो मेरे लिए किसी तरह की रोक टोक नहीं थी। किसी ने कलावती को नहलाने के लिए अंदर बुलाया। मैंने दौड़कर एक छोटा सा कैमरा उस कमरे में लगा दिया जहां दादी को नहलाया जाने वाला था और जल्दी से बाहर निकल आई और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। हमेशा की तरह कलावती आई। 1 घंटे के भीतर उसने दादी को नहलाया। अंतिम संस्कार हो चुका था और मैंने देर शाम वो कैमरा निकाला। मुझे पता था कि नहाने का वीडियो बनाना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं सच्चाई जानना चाहती थी। अब इस वीडियो में साफ देखा जा सकता था कि वो मृतक को कैसे नहलाती है और इसमें ऐसा क्या खास है कि मृतक के घर वाले अमीर हो जाते हैं। मैं और मेरी बहन देखने लगी, लेकिन कुछ तो ऐसा था जो वीडियो को 3 बार देखने के बाद भी समझ नहीं आ रहा था। फिर अचानक मुझे कुछ दिखाई देता है। मैंने अपने चचेरे भाई से पूछा, क्या दादी बीमार थी? उन्होंने कहा, नहीं, उन्हें सीने में मामूली दर्द के कारण अस्पताल ले जाया गया था। 3-4 दिन रहने से कोई फर्क नहीं पड़ा और आखिरकार उनकी मौत हो गई। मैंने आश्चर्य से उनसे पूछा, क्या दादी का कोई ऑपरेशन हुआ था? मेरी बहन ने कहा, नहीं, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ था। क्यों, क्या हुआ? मैंने उनकी ओर कैमरा किया और कहा, दादी की लाश को देखो, टांके के कैसे निशान हैं, जैसे ऑपरेशन के बाद टांके होते हैं। मैंने घर में सबसे पूछा, लेकिन सबने कहा कि दादी का कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है। अब मुझे कलावती पर शक होने लगा। मैंने वीडियो को ध्यान से देखा। जहां टांके लगे थे वहां पानी डाल रही थी। अगर उसके दिमाग में चोरी नहीं होती तो वो सबको बता देती कि दादी के शरीर पर टांके लगे हैं, लेकिन वो चुप रही। मैंने कलावती को फ़ोन किया और उसे वीडियो दिखाया और उससे पूछा
कि दादी को ये टांके कैसे लगे। उस वीडियो को देखने के बाद वो डर गई और बोली, मुझे कुछ नहीं पता कि ये टांके कैसे आए। मेरे बहुत धमकाने के बाद वो बोली, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, डॉक्टर शेखावत को पता होना चाहिए ये सब, क्योंकि दादी उनकी मरीज थी। एक बात मैं समझ गई थी कि दादी डॉक्टर शेखावत की मरीज थी। मैंने कलावती से कहा कि तुम मुझे अस्पताल ले चलो, अस्पताल में कहो कि मैं तुम्हारी रिश्तेदार हूँ और मुझे कुछ दिनों के लिए तुम्हारे यहाँ पर काम पर लगा लें। अगले दिन कलावती मुझे लेकर अस्पताल गई। उसने वही किया जो मैंने कहा था और मुझे उसके स्थान पर रख लिया गया। अब मैं देखना चाहती थी कि वास्तव में इस अस्पताल में क्या चल रहा है। मेरे पिता ने मुझे बड़ी मुश्किल से इसकी अनुमति दी थी। मुझे इस एक सप्ताह में जो करना था वो करना था। एक हफ्ते बाद हम शहर जा रहे थे। पहले एक दो दिन अस्पताल में अच्छे गुजरे, मुझे कुछ भी शक नहीं हुआ। नवाबपुर के लोग इस अस्पताल में इलाज के लिए आते थे। इस अस्पताल को शुरू हुए 4 साल हो चुके थे। 3-4 दिन बाद डॉक्टर साहब राउंड के लिए आए। उनका चेहरा देखकर मैं दंग रह गई। मैंने इस डॉक्टर को कहीं देखा था लेकिन याद नहीं आ रहा था। डॉक्टर ने एक नर्स से कलावती को बुलाने को कहा तो उसने मुझे कहा कि कलावती को बुलाओ, उससे जरूरी काम है। मैंने कलावती को बुलाकर डॉक्टर के कमरे में भेज दिया और दीवार से कान लगाकर उनकी बात सुनने लगी। डॉक्टर कलावती से कह रहा था कि एक मरीज मर गया है, मैं उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जा रहा हूँ, तुम गांव जाओ और लाश को नहलाने की तैयारी करो। तुम अपने अलावा किसी और को मत नहलाने देना, तुम्हारा हिस्सा तुम्हें मिलेगा। और हाँ, पिछले हफ्ते मरने वाली महिला के घर वालों को पैसे भी भेजना है, मैं तुम्हें वो पैसे देता हूँ, तुम आगे बढ़ाओ। मैंने अपना मोबाइल निकाला और डॉक्टर की तलाश शुरू कर दी। कुछ ही समय में मुझे एहसास हुआ कि वास्तव में इस अस्पताल में क्या हो रहा था। जब मैंने डॉक्टर शेखावत के बारे में खोजा तो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। डॉक्टर को 7 साल पहले कानून का उल्लंघन करने के लिए कुछ साल की सज़ा सुनाई गई थी और उसका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। फिर उस डॉक्टर ने इस गांव में आकर फिर से अपना धंधा शुरू कर दिया था। ये डॉक्टर मरे हुए लोगों के शरीर के अंगों को निकाल देता था और उन्हें ऊंचे दामों पर बेचता था और मृत व्यक्ति को केवल इसलिए कलावती से स्नान करवाता था ताकि मृत शरीर पर लगे टांके किसी को दिखाई ना दे। कलावती भी पैसों के लिए ये सब कर रही थी। मृत व्यक्ति के शरीर के अंगों को बेचकर उनमें से कुछ पैसा मृतक के घर पहुंचाया जाता था, क्योंकि हॉस्पिटल में उनसे एक एग्रीमेंट करवाते थे जिसमें लिखा होता था कि हम अपने पेशेंट को ऑपरेशन करने देते हैं और अपनी मर्जी से ठीक अंग वाले हिस्से को निकालते हैं। गरीब वाले आसानी से दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर देते थे। अगर हमें मृतक के परिजनों ने अनुमति दी है तो ये अवैध नहीं रह जाता। इस तरह मृतक के शरीर के अंगों को ऊंचे दामों पर बेचकर बड़े अस्पतालों में भेजा जाता है। मैंने एक दूसरे के साथ उनकी बातचीत को रिकॉर्ड कर लिया क्योंकि वे अपने कर्मों की सजा पाने वाले थे। मैंने पुलिस को फोन किया। अस्पताल के कई कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया और अस्पताल को सील कर दिया गया। ये सारा काम पिछले 3 साल से बड़ी सफलता के साथ चल रहा था। गांव वालों को जब डॉक्टर के बारे में पता चला तो उन्हें बहुत दुख हुआ। सभी लोगों ने मुझे दिल से धन्यवाद दिया। आखिरकार मैंने पता लगा ही लिया कि मृत व्यक्ति को नहलाने और अमीर होने के पीछे कौन सा रहस्य है। यहाँ शरीर के अंगों को बेचने का गोरख धंधा चल रहा था और बेचारे सीधे साधे गांव वालों को इसकी खबर ही नहीं थी। ये एक काल्पनिक कहानी है, इसका आपके जीवन में होने वाले किसी भी घटना से कोई संबंध नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।